अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी पकोड़े। उसके लिए जो हमें सामान चाहिए वो आपके सामने है। आलू, पानी, पालक, बेसन, 2 अदद प्याज, चिली फ्लेक्स, सब्ज मिर्चें, नमक, लाल मिर्चें और ये जो है ये ज़ीरा और सूखा धनिया। अब हम चलते हैं इसको। सबसे पहले जो है ना आलू हम उन्हें काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको काटने का तरीका मैं आपको बता दूं, जो साइड्स हैं उसे आप इस तरह काट लें। और ये जो ये देखिए ये जो हिस्सा बचा है इसको हम लंबा लंबा काटेंगे, ठीक है। जब हम इस तरह ब्रीक स्लाइसेस काट लेंगे उसके बाद इसको इस तरह काटेंगे। इससे ये होगा जब हमारे पकोड़े होंगे ना उसमें ये जब लंबे आलू आएंगे ये ज़्यादा क्रिस्प पैदा करेंगे उसमें, ठीक है। इसी तरह हम बाकी सारे आलू भी काट लेंगे। जी तो आलू हम लोगों ने काट लिए, अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक, बाकी मसाले। बिस्मिल्लाह। 1 टेबलस्पून नमक है, 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च, तकरीबन 4 अदद सब्ज मिर्चें, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 छोटी कटोरी बेसन। अब ये हो गया सब। सारा सामान हमने डाल लिया, अब हमने इसको करना है। इसमें अब हम ऐड करेंगे वाटर। पानी हमने कम लेना है, सिर्फ इतना कि जो बेसन और ये चीज़ें हैं वो सब एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, ठीक है। हल्का सा पानी और लेंगे। क्रिस्पी पकौड़े बनाने की ना 2 बेसिक ट्रिक्स हैं। एक तो जो आलू हैं उसको आपने जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से काटने हैं, और दूसरा ये कि आपने बेसन को ज़्यादा नहीं डालना। बेसन सिर्फ इतना लेना कि ये जो सारा है ये सब अज्जा आपस में जुड़ जाएं। ज़्यादा नहीं डालना, ज़्यादा डालने से आपके पकोड़े जो है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और क्रिस्पी नहीं रहते हैं। ये देखिए जी, ज़रा क्लोज़ कीजिएगा जी। ये देखें अब जो हमारा बैटर है वो सारा आपस में जुड़ गया है, पर बेसन जो है ना बहुत थोड़ा हमने डाला। ये देखिए पर ये जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। ये हो गया तैयार। अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तेल हमने गरम कर लिया, अब हम इसमें डालेंगे 1 बाय 1 पकौड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप स्पून से भी कर सकते हैं पर मैं ज़रा हाथों से ज़्यादा कम्फर्टेबल हूँ। बिस्मिल्लाह। अपनी मर्जी के साइज़ के बनाएं, छोटे बड़े जैसे दिल करें। पकौड़ों को अब हम पलट लेंगे, ठीक है। पकौड़े ये देखें हो गया, कलर इसका गोल्डन हो गया। अब हम इसको निकाल लेंगे
तेल इनको अच्छी तरह ना छोड़ लेंगे। बिस्मिल्लाह। देखिए कितना खूबसूरत कलर है इसका। आपने अपने घर में ये तरीका ज़रूर आजमाना है और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके पकौड़े किस तरह के बने हैं। मज़ेदार क्रिस्पी पकौड़े हो गए हैं तैयार। आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।